रामगढ़ जिले में जरा बस्ती में सीसीएल सिक्योरिटी गार्ड हत्याकांड के खुलासे के बाद सनसनी फैल गई। पतरातू सेंट्रल सौदा के हसत राम की हत्या का रामगढ़ पुलिस ने आज खुलासा किया। मामले में दो अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी की गई। सबसे बड़ी बात है कि गिरफ्तार अभियुक्त में अपराधियों में मृतक की पत्नी भी शामिल है। रामगढ़ एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की जानकारी दी कि कैसे पत्नी ने हत्या की साजिश रची थी। ये साजिश क्यों रची गई, क्या मामला प्रेम प्रसंग का है या फिर अवैध संबंध से जुड़ा, ये फिलहाल पुलिस ने स्पष्ट नहीं किया है। 2021 को रामगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत एक डोभागरा जंगल में एक अज्ञात शव की सूचना मिली थी। उस सूचना के आधार पर रामगढ़ थाना के पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी वहाँ पहुँचे और शव की उस समय तक पहचान नहीं हो पाई थी। उसके बाद जब शव को आगे की कार्रवाई के लिए ले जाया गया और उक्त शव का पहचान भुरकुंडा निवासी एक सीसीएल कर्मी के रूप में हुई थी, उसके बाद उक्त कांड का उद्भेदन के लिए पुलिस अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रामगढ़ के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई थी, जिसमें रामगढ़ के थाना प्रभारी एवं रामगढ़ के अन्य पुलिस पदाधिकारी उस टीम में शामिल थे। इनके द्वारा बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से काम करते हुए इस पूरे घटनाक्रम की जाँच पड़ताल की गई और उसके बाद उस घटनाक्रम का उद्भेदन किया गया है। इसमें मृतक के हत्या में मुख्य साजिशकर्ता के रूप में मृतक की पत्नी ही है खुद, और पत्नी अपने एक जान पहचान के आदमी के साथ मिलकर के उनकी हत्या करवाई है और हत्या के पीछे का कारण बताया जा रहा है। जैसा पत्नी के द्वारा बताया गया है कि घर में ठीक से पैसा वगैरह नहीं दे रहा था, बट ये बात और अभी विस्तृत से इसकी जाँच पड़ताल की जा रही है। इसमें कुछ और बात सामने आने की संभावना है। हम लोग जब विस्तृत जाँच कर लेंगे तो अभी हत्या का और कुछ और कारण अगर है तो उसका खुलासा हो पाएगा। इस हत्या में साजिशकर्ता के रूप में मृतक की पत्नी और हत्या करने में दो लोग मौजूद थे, जिसमें से साजिशकर्ता पत्नी और हत्या करने में जो मुख्य रूप से आरोपी था उनकी गिरफ्तारी हो गई है। एक अन्य आरोपी अभी फरार है, उनकी भी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। सर, क्या कुछ पैसे का लेन देन का मामला था या पैसे देकर उसकी हत्या करवाई गई थी या प्रेम प्रसंग का मामला? जैसा मैंने पहले बताया कि अभी तक इसमें स्पष्ट रूप से कुछ क्लियर नहीं हो पाया है। जैसा पत्नी और जो लोग जो एक आरोपी पकड़ाए हैं उनके द्वारा जो बताया गया है, इसमें दो तीन बिंदु आ रही है। एक जो आप जैसा बता रहे हैं, एक पैसे का भी लेन देन का मामला है और पत्नी जो साजिश की थी मारने में उसमें पैसे की भी बात कही गई है कि अगर मर्डर हो जाएगा तो कुछ पैसा भी देंगे, और इसके अलावा प्रेम प्रसंग के और भी कुछ ऐसे तथ्य हैं जो इशारा करते हैं। तो इसमें जो SIT है ये पूर्ण रूप से इसकी जांच कर रही है और जब हरेक बिंदुओं पर जांच करके स्पष्ट रूप से जो कुछ भी सामने आएगा उसको फिर से आपके सामने रखेंगे। क्या क्या कुछ बरामद हुआ है? जो जिस हथियार से मारा गया था, एक चापर है जिससे उनकी मृतक की हत्या की गई थी, वो मिला है। घटनास्थल से मृतक जो पहने हुए थे उस समय कपड़ा, उनमें खून लगा हुआ है, वो बरामद किया गया है और घटनास्थल से कुछ और सामान बरामद किया गया है, जिसको हम लोग विधिवत जब्त किए हैं और आगे की कार्रवाई के लिए उसको भेजा जा रहा है। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।